हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल क्रैकबोन 1920. इट्स अनु वर्मा. आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कॉपी चेकिंग क्राइटेरिया. जैसे हम बोर्ड में कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम कॉपीज को किस टाइप से चेक करने का क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे. हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कि जैसे फर्स्ट डे हमने 10 कॉपीज चेक करनी है, नेक्स्ट डे से वो कॉपीज़ का टोटल कुछ इंक्रीज कर दिया जाता है. जैसे 20 कॉपीज़ हैं या 25 कॉपीज़ हैं वो हमें चेक करनी है. जो फर्स्ट पेज होता है आपका, जिसमें आप अपनी एंट्रीज फिल करते हैं, नेम, रोल नंबर एक्सेट्रा, वो पेज हमारे पास नहीं होगा. इसका मीनिंग क्या है कि हम जिस कॉपी को चेक कर रहे हैं ना तो हम उस स्टूडेंट का नाम जानते हैं ना उसका रोल नंबर हम जानते हैं. ठीक है, इसको बताने का मीनिंग क्या है कि आपकी कॉपीज केवल एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकती है, क्योंकि ना तो एग्जामिनर आपका नाम जानता है ना आपका रोल नंबर जानता है. जब हम अपनी क्लास में बात करते हैं तो अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट्स के नेम हम जानते हैं, हमें पता है कि कौन सा बच्चा कैसा है, उसकी कॉपी जब हम चेक करते हैं तो हमें उस बच्चे का नाम मालूम है. लेकिन जब हम बोर्ड की कॉपीज चेक कर रहे होते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि वहाँ पे हम बच्चे को नहीं जानते हैं, स्टूडेंट को नहीं जानते हैं. ठीक है, तो अब वो कॉपी से आप कैसे एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं, आज उसी के बारे में हमने बात करनी है. सबसे पहले आपने क्या करना है कि लॉन्ग आंसर से स्टार्ट करना है. लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सीरियल नंबर से ही आंसर देने हैं. जो क्वेश्चन आपको पहले अच्छे से आता है पहले वो क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद जिस क्वेश्चन में जरा भी आप अटकते हैं या लगता है कि ये क्वेश्चन हो भी पाएगा या अटक जाऊंगा, उन क्वेश्चंस को आप बाद में करें. ठीक है, क्योंकि आपके पास एक फिक्स लिमिट है टाइम की, टाइम इंटरवल 3 आवर्स से ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगा. ठीक है, अब आपने करना क्या है, जितने लॉन्ग आंसर्स आपको आते हैं वो आपने आंसर किए, उसके बाद जो शॉर्ट आंसर आपको आते हैं वो आपने आंसर किए. लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आंसर शीट में अपना सेक्शन, जो भी पेपर का आपका सेट है, वो ज़रूर मेंशन कर दें, क्योंकि सेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालें, सेक्शन नंबर प्रॉपर डालें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर रॉन्ग नहीं डालें और किसी भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बोर्ड में आपको एक क्वेश्चन पे दो बार आंसर अलॉट हो जाएं, दो बार मार्क्स अलॉट हो जाएं और दो बार मार्क्स वो टोटल भी हो जाएं. ये केवल हमारी गलतफहमी है कि हम कुछ क्वेश्चंस के बाद उसको दोबारा कर देंगे तो हमें दो बार आंसर मिल जाएंगे. सिंपल एग्जाम्स में ऐसा हो सकता है लेकिन बोर्ड में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोर्ड की कॉपीज में हमें केजिंग करनी होती है. केजिंग का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग आंसर, जो मार्क्स हमने अलॉट किए हैं वो मार्क्स बाहर पेज में टोटल करने होते हैं, और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 5 पे हम दो बार आंसर, दो बार मार्क्स दे दें. ठीक है, तो दो बार मार्क्स अगर दे भी दिए बाय मिस्टेक तो वो एक बार आपको कट करने होंगे. उसका क्या रूल होता है, उसका रूल ये है कि जो आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है आंसर उसी के मार्क्स आपको प्लस होंगे. तो अगर सपोज कहीं पे आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन का आंसर दिया और वो इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट है, आप उसको रिपीट करना चाह रहे हैं तो पहले फर्स्ट वाले आंसर को कट कर दें, अदरवाइज फर्स्ट जो आपका इनकम्प्लीट आंसर है उसी में जो हाफ या वन मार्क्स आपको मिला होगा वही मार्क्स आपके ऐड होंगे. लास्ट वाले क्वेश्चन को एग्जामिनर कट करेगा और उसको रिपीट करके छोड़ देगा. ठीक है, तो अगर आपने कभी भी क्वेश्चन को दोबारा किया है तो फर्स्ट वाले को पहले आपने क्या करना है, कट करना है. ठीक है, सपोज आपने लॉन्ग आंसर दिया, जब वो एंड हो रहा है लास्ट में 2 या 3 लाइंस बची हैं, तो वहां से कभी भी दूसरा लॉन्ग आंसर आप स्टार्ट नहीं करें, नेक्स्ट नए पेज से आप स्टार्ट करें. क्योंकि जब नए पेज से आंसर स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियस है कि हम भी उसको थोड़ा सा अच्छा सा इंप्रेसिव लिखते हैं. शॉर्ट आंसर में ऐसा नहीं कि आपने एक आंसर किया और पूरा पेज ब्लैंक है और उसको आपने छोड़ दिया है. शॉर्ट आंसर आप एक, कम से कम एक आंसर के बाद 1 और 2 लाइंस का आप गैप दें और तब दूसरा आंसर वहां से स्टार्ट करें. और क्या है आपके पास कि बस क्वेश्चन नंबर और सेक्शन नंबर का जरूर ध्यान रखें कि वो करेक्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि आपने बाय मिस्टेक क्वेश्चन नंबर रॉन्ग लिख दिया है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर रॉन्ग लिखा है तो उसको एग्जामिनर कट कर देगा, उसमें कोई मार्क्स आपको अलॉट नहीं होंगे. ऐसा बिल्कुल माइंड में नहीं रखना है कि मुझे 1, 2, 3 से ही स्टार्ट करना है, टिल एंड ऑर्डर में ही आंसर देने हैं. अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है तो उसका स्पेस छोड़ दें, दैट्स रॉन्ग.
जो आंसर नहीं आता है उसको आप लास्ट में कर सकते हैं, बस आपने क्वेश्चन नंबर और सेक्शन नंबर मेंशन करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं कुछ जो आपकी एग्जाम की कॉपीज में आपको अच्छे मार्क्स गेन करवा सकते हैं। इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है, बहुत प्रॉपर वे में आंसर देने हैं और कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट नहीं छोड़ना है, क्योंकि बोर्ड में आपकी स्टेप मार्किंग होती है, उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला क्या गिवन है क्वेश्चन में वो आप जरूर मेंशन कर दें। कुछ भी जो उससे रिलेटेड आपको आता है बिल्कुल ब्लैंक आंसर नहीं छोड़ें कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स, अगर आप ध्यान रखेंगे तो बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो आज इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय। Would you do?